आज हमारे से ट्रेनिंग लेने के बाद आफ्टर 15 डेज 20 डेज आपको नहीं समझ में आया तो आप फीस रिफंड ले जा सकते हैं। ओके हाँ जी ये ओके इसका मैंने डबल डेकर बनाया है। प्रॉब्लम क्या आ रही थी इसके अंदर? रीस्टार्ट प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर अगर आप सेटिस्फाई हैं? हाँ सेटिस्फाई। ऐसे तो नहीं कि आप नेपाल से इतना दूर से यहाँ पर आए आपको लग रहा है कि मेरा पैसा खराब हो गया? नहीं ऐसा नहीं लग रहा। नहीं नहीं तो पांचवें दिन में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि पहले क्या काम नहीं हो रहा था आपसे और आप क्या कर सकते हैं? मेरे से पहले से आईसी का काम नहीं हो रहा था। ओके अब अभी कल मेरे का डबल टिकट सीपो का मैं उधार कर मेरे का फोन डेड हो गया था। अच्छा डबल डबल टिकट सीपो था मैं इसको ऑन किया चालू कर सर से पूछ कर चालू किया हूँ सेटे। आपने खुद किया? हाँ जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। नए के साथ साथ मैं ये भी बोलता हूँ किसी भी भाई को अगर मेरी वीडियो से कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके मेरा नंबर ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। आपका भाई 100% इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा देगा। बाकी इसको चलते हुए मैं आपको आज करोलबाग गफ्फार मार्केट लेकर आया हूँ, तरुण रिजवानी सर के पास लेकर आया हूँ। इनकी वीडियो मैंने इससे भी पहले कई वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है। इनकी शॉप किस जगह पर रहने वाली है मैं आपको बता दूँ, करोलबाग गफ्फार मार्केट मेन दिल्ली के अंदर इनकी शॉप है। लोहिया जी टेलीकॉम आपने काफी अच्छे से जानते होंगे, उनके बेसमेंट में आपको ये मिलने वाले। यहाँ पर आखिर इनका इंस्टीट्यूट है तो किस टाइप का इंस्टीट्यूट है वो भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट क्या क्या काम कर रहे हैं, कितने कितने दिन का उन्हें एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो के अंदर शो करने वाला हूँ। उसके साथ साथ क्या यहाँ पर एंड्रॉइड भी पढ़ाया जाता है या आईफोन भी पढ़ाया जाता है या सिर्फ आईफोन पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। आप तरुण सर को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे और एमडी मुजाहिद सर को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि इनका आपने फेसबुक पेज पे ही देखते होंगे और इन्हें यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा। तो चलिए इस वीडियो को शॉर्ट करते हुए चलिए तरुण सर से मिलते हैं। सर आप हमारे भाइयों को दोबारा से अपना नाम बताइए क्योंकि कई भाई ऐसे होंगे जो नए इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहले तो सबसे पहले शुक्रिया, थैंक यू समीर भाई, आप हमारे शॉप पे या हमारे इंस्टीट्यूट में आए। वेलकम सर। और ये जो हमारा अभी जो इंस्टीट्यूट है ये अभी का नहीं है, आज से नहीं है, ये बहुत 3-4 साल से मैं इसको चला रहा हूँ और okay. और भी कई इंस्टीट्यूट में जाके मैं अपनी जो इस लाइन का जो कंसेप्ट है वो सब कुछ दे के आ चुका हूँ। okay. दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बोलते हैं 15 दिन में काम सिखा दूंगा 20 दिन में काम सिखा दूंगा, ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट 15 से 20 दिन में काम सिखा सके। ओके अपना अपना हर किसी का सिलेबस है, वो सिलेबस लेके वो एक सिलेबस रेडी करके स्टूडेंट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बट ठीक है, जिसका जो सेगमेंट है जिस सही चल रहा है चलता है, बट हमारा सेगमेंट क्या है कि जो हम ऑन द टेबल जो हमारे पास फोन्स आते हैं हम उनके ऊपर काम करते हैं और काम करने के बाद वही स्टूडेंट को बताते हैं। जो मार्केट में 80% जो चल रहा है आईफोन के बाय डिफॉल्ट पोर्ट या एंड्रॉइड में, अभी हमने क्या है कि आईफोन के साथ साथ में एंड्रॉइड भी स्टार्ट कर दिया है। ओके दिल्ली में मेरा इंस्टीट्यूट है करोलबाग गफ्फार मार्केट रीजेंट टावर बेसमेंट में। okay. और एक मेरा इंस्टीट्यूट है जयपुर के अंदर रायसर प्लाजा में। okay. वो इंस्टीट्यूट मेरे हमारे जैसे मुजाहिद भाई मित्र है जो वैसे ही हमारे दूसरे मित्र हैं जुगल जी वो संभाल रहे हैं, तो वहाँ पे वो बेसिक टू एडवांस तक वो क्लियर करते हैं, उसके बाद में जाके थोड़ा अपना जो प्रो लेवल बोलते हैं वो मैं क्लियर करता हूँ। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो गाइस अगर आप सोच रहे होंगे यार मैं तो हर इंस्टीट्यूट में जाता हूँ सारे इंस्टीट्यूट में बढ़िया ही बताता हूँ, देखो भाई अपनी अपनी जगह पे सारे इंस्टीट्यूट अच्छे होते हैं। इस इंस्टीट्यूट के अंदर क्या खास बात रहने वाली है मैं बता दूं, डेमो हर कोई देते हैं मगर इस इंस्टीट्यूट के अंदर खास बात है डेमो के लिए आप अपने हैंडसेट कोई भी ला सकते हैं, किसी भी फोल्ड में फंसे हुए लेकर आ सकते हैं उसके अंदर, चाहे एंड्रॉइड हो या आईफोन हो या आपसे खराब हो गया हो या कस्टमर का हो, आप पहले आकर अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप खुद भी सेटिस्फाई होने के बाद दूसरों को भी आप कर सकते हैं। तो सर अगर कई भाई हमारे अगर डायरेक्ट आपके पास फोल्डी फोन लेके आ सकते हैं तो काम करेंगे सर? बिल्कुल सर, एक्चुअली जो भी स्टूडेंट आता है हम उसको खुद ही बोलते हैं कि अपने 1 से 2 फोन आप लेके आ सकते हो। Okay. एक या दो फोन आके अपने अब पहले हमारे से उसकी ट्रेनिंग लो, उसके बाद हम उसको लाइव डेमो देके उसी पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं सेकंड फोन पे दूसरे तीसरे फोन पे। जब तक और सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक हम उससे फीस नहीं लेते। पहला नहीं है कि कंसेप्ट आपको फीस देनी पड़ेगी आपको आना है, हम 2 दिन के अंदर कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। okay. और दूसरा ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है जस्ट इसके पास में मेरी खुद की शॉप है। ओके जहाँ पे हमारी लाइव जो हमारे जो डेली की रिपेयरिंग है जो हमारे जो सेल्स जो आसपास के जो रिटेलर जुड़े हुए हैं जी सर पूरे ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड जो पार्सल्स आते हैं वो सब कुछ हम इस पास वाली शॉप पे भी काम करते हैं। ओके तो मैं आपको बता दूंगा वो शॉप भी मैं आपको दिखाऊंगा सर। अभी जो हमारा जो चल रहा है वो 6 जनों का बैच चल रहा है, 6 जनों के अंदर सबका आप अभी जो भी लाइव रिव्यू ले सकते हो। आप मैं इनको किसी को भी कुछ भी नहीं बोला कि आप मेरे बारे में प्लस बोलो मुजाहिद भाई के बारे में, जो जितना अभी तक सीखा है 4 से 5 दिन में वो आपको इनको बताना है। क्योंकि एक्चुअली ये कमेंट्स किया हमारा जो है ना हम प्रत्यक्ष को प्रमाण जो बात है ना वो बोलते हैं कि आपको जो चीज़ सिखाई गई है वही बोलो कि फेक वीडियोज तो मार्केट में बहुत है, हम ये नहीं कहते और इवन ये तक है कि आज हमारे से ट्रेनिंग लेने के बाद आफ्टर 15 डेज 20 डेज आपको नहीं समझ में आया तो आप फीस रिफंड ले जा सकते हैं। ओके हाँ जी
बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, इतनी बड़ी गारंटी कहीं आपको मिलने नहीं वाली है। तो सर आप अपने हमारे भाइयों को बताइए, आप अपना नाम बताइए और आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ाते हैं वो बताइए। सर सर मेरा नाम MD मुजाहिद है जी सर, और मैं आईफोन एंड्रॉयड दोनों करवा रहा हूँ। ओके, बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है। और SMD टेम्परेचर से लास्ट एंड तक CPU, ग्लू, पेस्टर, डबल डेकर, A to Z सब कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं। ओके, थ्योरी और कंप्लीट, कहीं कुछ बच जाता है तो सर आके बता देते हैं। मतलब सर आके बता देते हैं और जो भी रह जाता है वो कंप्लीट मैं करा देता हूँ, करा देते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप डीलर हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हमारा बाहर से काम हो जाए, उसके ऊपर कुछ अपना परसेंटेज रख के अपना काम इसी तरह से चलाते रहें, तो वो भी आप यहाँ पे काम लेकर आ सकते हैं। हो सकता है, क्या पता मेरी इस वीडियो को एंड कस्टमर भी देख रहे हो, उनके आईफोन में एंड्रॉइड में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। आप गफ्फार मार्केट के नाम से काफ़ी भाई सोचते हैं कि यार वहाँ जाएंगे बोर्ड पलटी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर एंड कस्टमर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये पूरी इंक्वायरी के लिए स्क्रीन पर मैंने नंबर दिया हुआ है, एड्रेस वाली बात है तो डिस्क्रिप्शन में पूरी चीज़ें डाली हुई हैं। तो चलिए इसी तरह से वन बाई वन करके स्टूडेंट का रिव्यू लेते हैं, देखते आगे देखने के लिए क्या मिलता है। तो गाइस वीडियो कंटिन्यू करते हुए एक स्टूडेंट हमारे साथ और हैं, चलिए हम इनसे नाम पता करेंगे, इनका किस जगह से हम वो भी पता करने वाले हैं, क्या इन्हें यहाँ पर आकर बेनिफिट मिला या नहीं मिला वो भी हम जानने वाले हैं। तो सर आप अपना नाम बताइए हमारे भाई। मेरा नाम सन्नी है। कहाँ से सर आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से लोकल ही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे थे पहले से? सर पहले मैं ग्लास वगैरह चेंज करता था। ओके, वो छोटा मोटा टच वगैरह ये सब करता था, लेकिन हार्डवेयर नहीं करता था मैं। हार्डवेयर नहीं करते थे, जैसे कनेक्टर हो गया, माइक वगैरह हो गया, ये सब करता था। ये मतलब बेसिक जो काम होता है वो कर रहे थे, जैसे बेसिक के ऊपर आ जाता है, जैसे WTR वगैरह चेंज करना हो या U2 चेंज करना हो या बेस बैंड में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए वो करना हो या हैंगिंग लोगो वगैरह आ जाए वो सब ये नहीं कर रहे थे। तो अब ये क्या क्या कर रहे हैं चलिए हम वो इनसे जानते हैं। तो सर पहले में और अब में कितना फ़र्क है वो बताइए सर। पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। पहले मैं जो भी मेरे पास कोई आईफोन का कोई बड़ा फॉल्ट आता था तो मैं भैया के पास ही लेकर आता था रिपेयरिंग के लिए। ओके, तो एक दिन मैंने भैया से इसीलिए मैंने बात की कि भैया मुझे भी थोड़ा हार्डवेयर सीखना है, क्योंकि हार्डवेयर के मामले में मेरे बिल्कुल जीरो था। ओके, अब जब से मुझे 5-7 दिन हो गए हैं इधर, जब से मुझे बहुत थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई है IC बनाने के लिए और आईफोन की स्विचिंग वगैरह और बूटिंग वगैरह बहुत कुछ भैया ने बहुत कुछ बताया इन 5-7 दिनों के अंदर ही। okay. तो हमको थोड़ा थोड़ा दिमाग में भी है और थोड़ा थोड़ा हम अपने काम में भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, अगर आपसे कोई यही एक्सपीरियंस, अभी तो आप वीडियो पे हैं, काफ़ी भाई ये सोच रहे होंगे कि कैमरे पे तो हर कोई अच्छा ही बोलता है, आपकी शॉप का एड्रेस क्या रहने वाला है अगर ये आपसे कोई पर्सनली मिलना चाहता है तो? नेटवर्क प्लाजा बेसमेंट शॉप नंबर 2। तो भाई देखो इनका शॉप का एड्रेस भी आपको मालूम चल गया है, आपके पास अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इनसे ऑफलाइन जाके भी पता कर सकते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट में आने के लिए मैंने आपको बोला ही है कि आपके पास अगर एंड कस्टमर के अगर हैंडसेट वगैरह हैं तो आप वो लेकर आइए, अपने हैंडसेट पे लाइव डेमो लीजिए, उसके बाद अगर आप क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी सर ओवरऑल एक्सपीरियंस में मैं एक लास्ट छोटा सा सवाल रहेगा, अगर कोई भाई इस एंड कस्टमर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन होने के लिए सोच रहे हैं वो? अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन होने के लिए तो मैं सबसे पहले यही बात बोलूँगा, आप सब जगह ट्राई करके आइए एक बार। बिल्कुल सर। लेकिन आपकी सर्टिफिकेशन ये तरुण भैया के पास ही आके होगी, उनका समझाने का तरीका, उनका बताने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं 3-4 जगह पहले जाके बात करके भी मैंने ट्राई किया, लेकिन वहाँ भी मुझे समझ में नहीं आया। ओके और 1-2 जगह और भी पता किया, कहीं और भी गया, लेकिन जब मैं मेरे भैया से मिला और भैया से जब मैंने भैया से 1-2 बार काम भी करवाया सर, भैया ने मुझे काम ओके करके दिया, फिर भैया से मैंने थोड़े दिन पहले ही बात की थी कि भैया अगर आपका बैच स्टार्ट होगा तो एक बार मुझे भी उसमें क्लास ज्वाइन करनी है, तो फिर भैया ने मुझे बोला था कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, आपको हम परफेक्ट करके भेजेंगे। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे मैं अभी वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने बोला था कि यहाँ पे लाइव काम भी मिलता है स्टूडेंट को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब डीलर भी काम लेके आते हैं और एंड कस्टमर भी, तो वो बात मेरी सही है? नहीं, ठीक बात है, मैं अपने खुद के फ़ोन जो मेरे पास शॉप पे आते हैं वो मैं यहीं लेकर आता हूँ ठीक करवाने के लिए भी, और करता भैया बताते आते हैं अगर मुझसे होने वाला होता भी, क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं अपने आप भी कर लेता हूँ, तो फिर भैया से मैं पूछ के भैया करके भी देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखो ये मैं हमेशा आपके लिए कंफर्म बीच बीच में करता रहता हूँ, जिस भाई को किसी भी भाई को ये ना लगे मन में डाउट, यार कैमरे पे तो बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, कैमरे को एक तरफ रख दो थोड़ी देर के लिए, आप लाइव यहाँ पर आयो, यहाँ पे लाइव आने के बाद एक बारी जब तरुण सर से मिलेंगे या आप एंड्रॉइड वाले सर से मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या चीज़ सिखाते हैं। तो इनसे मिलके तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसी तरह से एक स्टूडेंट हमारे साथ और हैं, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। तो भाई सर वन बाई वन करके स्टूडेंट वाली बात है तो स्टूडेंट हमारे साथ हैं, चलिए इनसे हम पता करेंगे कि यहाँ पर ये क्या काम अपनी शॉप पर नहीं कर पा रहे थे जो यहाँ आकर ये अपडेट हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इनका नाम पता करते हैं, तो सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम विवेक मिश्रा है। कहाँ से सर आप? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं आप।
तो सर आप कितने टाइम से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे थे? मैं 4-5 साल से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा हूँ। 4-5 साल से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो 4-5 साल से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो आपको अपडेट होने की क्या जरूरत पड़ी? वहाँ मैं ज़्यादातर ग्लास का काम करता था, आईसी लेवल का काम नहीं कर पाता था। ओके, उसके उस आईसी लेवल को सीखने के लिए मैं यहाँ तरुण सर के पास आया हूँ। ओके, आप और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? यहाँ पर मेरे को 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर कुछ इम्प्रूव हुआ आपके अंदर? बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। पहले मैं छोटी मोटी आईसी ही बना पाता था, सीपीयू लेवल पर कभी काम नहीं कर पाता था। अच्छा, सीपीयू इवन रिवॉल्व भी नहीं कर पाता था। ओके, यहाँ आने के बाद मैंने A11 तक के सीपीयू रिवॉल्व किया। अच्छा, और डबल डेकर का 2 फोन था, वो दोनों फोन बना के रेडी किया। आपने खुद बनाया, टीचर ने बना कर दिया? मैंने खुद बनाया, टीचर ने थोड़ी हेल्प करी, एक दो जगह ग्लू साफ करने की चीज में मेरे को दिक्कत आ रही थी। बिल्कुल, उन्होंने मेरे को हेल्प किया और वो फोन पूरा ओके डन ऑन किया। ये ऑन करके रखा भी हुआ। दिखा सकते हैं क्या? हाँ दिखा सकता हूँ। ओके, इसका मैंने डबल डेकर बनाया। प्रॉब्लम क्या आ रही थी इसके अंदर? रीस्टार्ट प्रॉब्लम। अच्छा, रीस्टार्ट लोगो हैंगिंग लोगो हो जाता है या रीस्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, इसके अंदर अगर चार्जिंग शो हो रही है तो इसका मतलब है फोन वर्किंग है। ओके, एकदम। और बोर्ड भी आप देख सकते हैं, बोर्ड में काम हुआ है, आपको पेस्ट वगैरह डली हुई है, तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर काम हुआ है। तो जैसे ही आप ये हैंडसेट लेकर आए, आप अपने साथ ही लाए ना? हाँ, ये वाला है साथ। इस हैंडसेट को जब आपकी शॉप पे था, मतलब आप नहीं कर पा रहे थे इसे, तो आपने सोचा कोर्स के दौरान मैं इसको इंस्टीट्यूट लेके चलता हूँ, वहाँ पे मेरा ये फ़ोन भी हो जाएगा और मेरी हैंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास इस टाइप से कोई भी हैंगिंग लोगों में फ़ोन पड़े हो या डेड पड़े हो या कोई भी फॉल्टी फ़ोन पड़ा हो, भले ही वो कस्टमर का फ़ोन हो, तो वो लेके भी मेरे हिसाब से आपको ज़रूर आना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि यार हमने कौन सा काम किस तरह से किया है, हमें नेक्स्ट टाइम करने में बहुत ईजी रहता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम आगे भी एक स्टूडेंट हमारे पास हो रहे हैं, उनसे तो हम बात करेंगे। फिलहाल आईफोन की जो इन्होंने हमें बताया कि काफ़ी सारे इन्होंने सीपीयू भी रिवॉल्व करें, इनका एक्सपीरियंस वो शॉप का क्या रहने वाला है वो पता करते हैं। सर जब आप यहाँ से देखो, अभी तो टीचर ने आपको गाइड किया यहाँ पे कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी, टीचर ने गाइड कर दिया। जब आप शॉप पे चले आएंगे, वहाँ टीचर नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस है काम कर सकते हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, मेरे हिसाब से इतना कॉन्फिडेंस है कि अभी तक के मेरे को जितना पता चला है, जितना चीज़ मैं सीखा हूँ, उतना चीज़ तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। ओके, उसके साथ साथ जो जो चीज़ मैं आगे सीखते जाऊँगा उसका भी मेरे को कॉन्फिडेंस आते जाएगा। और उसके बाद भी मेरे को पूरा सपोर्ट है तरुण सर का, पूरी लाइफ टाइम कुछ नई अपडेट आएगा, कुछ भी होगा, नंदी मुजाहिद सर है एंड्रॉइड के लिए। ओके, जो भी चीज़ की दिक्कत लगेगी वो मेरे को बताने के लिए तैयार है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, जब आप बिलासपुर से यहाँ पर आए, रोज रोज तो आप अप डाउन नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बाहर से अगर आते कोई? तो नहीं, बाहर से कोई आता है तो आराम से यहाँ सब चीज़ अवेलेबल है, पीजी वगैरह है, खाना यहाँ बढ़िया है, खाना भी सस्ता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। यहाँ 100-150 मीटर के एरिया में अपने को रहने के लिए मिल जाता है, आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो भाई चलिए, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस वाली बात है, कॉन्फिडेंस इनका आपने भी देखा, कितने टाइम से इस लाइन में थे, इन्होंने क्या काम नहीं कर पा रहे थे वो काम भी आज इन्होंने यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर करा। यहाँ से जब ये जाएंगे, मेरे हिसाब से 5 बोर्ड पर अगर ये अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो इनसे कोई काम नहीं है जो कि छूट जाएगा। 99.9% है कि ये सारा काम अपने हाथों से निकाल लेंगे। फिर भी 1% अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो सर जैसे हमारे साथ हैं MT मुजाहिदीन जो कि एंड्रॉइड के अंदर बताने वाले, तरुण सर हैं जो कि आईफोन के अंदर बताने वाले, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं। तो गाइस, उसी तरह से एक स्टूडेंट हमारे साथ हो रहे हैं, ये थोड़े से आपको अलग लग रहे होंगे, एक्चुअली ये दिल्ली से नहीं है, ना तो ये दिल्ली का, ये इंडिया से भी नहीं है। चलिए इनसे ही हम पता करेंगे कि यहाँ पर इन्हें कितना टाइम हो गया और ये कहाँ से है। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिलन मगर है। कहाँ से सर आप? नेपाल से। नेपाल से आप सर? तो सर नेपाल से आए हुए यहाँ पर कितना टाइम हो गया आपको? मेरे तो 6-7 दिन हुए हैं। 6-7 दिन हुए आपको? 6-7 दिन पहले आप नेपाल में थे, तो ये बताइए कि वहाँ पे आप क्या क्या काम करते थे मोबाइल रिपेयरिंग में? मोबाइल का छोटा मोटा डिस्प्ले, छोटा मोटा आईसी कर लेता था। ओके, और सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर हो गया, ये छोटा मोटा डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, या कोई वायर वगैरह ब्रेक है वो हो गया, ऑन ऑफ स्विच वगैरह हो, वो सब करते थे? करते थे। आईसी का कोई भी काम आता तो नहीं करते थे? यहाँ आके आपको क्या बेनिफिट मिला है यहाँ पर? यहाँ आके मैं अभी रिवॉल्व भी कर सकता हूँ। ओके, छोटा पहले क्या होता था, छोटा आईसी बनाने में थोड़ा दिक्कत होता था। ओके, अभी क्या है, अभी सीपीयू भी रिवॉल्व कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। और उसके बाद अभी मेरा क्लास पेस्टेड आईसी, नॉन पेस्टेड आईसी दोनों ही क्लास में ले चुका हूँ। ओके, उसके बाद अभी मेरा चल रहा है डबल डिकर का। ओके, और वो डबल डिकर भी मेरा बढ़िया ही होगा।
तो एक चीज बताइए, यहाँ पर अगर आप सेटिस्फाई हैं, हाँ, सेटिस्फाई ऐसे तो नहीं कि आप नेपाल से इतना दूर से यहाँ पर आए आपको लग रहा है कि मेरा पैसा खराब हो गया? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। नहीं नहीं, अब आपको 5 दिन का एक्सपीरियंस आपका ये है, अभी आपकी क्लास आगे भी रह गई है, अराउंड 10 दिन के आसपास की क्लास और भी है, और 10 दिन के बाद अगर आप सेटिस्फाई किसी वजह से नहीं होते, आप थोड़ा सा अगर लेट भी सीख रहे हैं, तो आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी यहाँ पर मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर कोई भाई अगर नेपाल से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? यदि कुनै नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ भने तपाई एकचोटि रिवाज तरुण सर्कुमा आउँदा हुन्छ। म आएको धेरै बाहेन 10 दिन भयो, तर मैले सबै जुन चाहिनु पर्ने ओके नलेजहरू मैले पाइरहेको छु। बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन और, कि आप दिल्ली से नहीं है, मतलब इंडिया से नहीं है, बाहर से, आपको पता कैसे चला तरुण सर के बारे में? ओ, मेरे दोस्त लोग से साथ आया था मैं। अच्छा, दोस्त लोग के साथ आप यहाँ पर आए थे? हाँ, उसके बाद उसका जो अभी सिखाने वाला सर है ना, उसने प्रेफर करके मेरे को इधर भेजा। ओके ओके ओके। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये रेफरेंस है, यहाँ पर आए रेफरेंस के आने के लिए। अब देखो, ये यहाँ पर इतना सेटिस्फाई है, अगर आप चाहते हैं इनको नेपाल में अगर आप जानते हैं, तो आप अपना काम लेके इनके पास भी जा सकते हैं, जिससे कि आपका काम जो रुक रहा होगा ये उसको करके देने वाले हैं। और ऐसे नहीं है कि यहाँ पर आपको, अगर आप आने तो 15 दिन के बाद आप यहाँ से चले आएंगे, अगर आपके 2-4 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा भी लगते हैं तो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले जाने के लिए नहीं बोलेंगे। यहाँ पर तरुण सर के पास में आपको एक बेनिफिट बता देता हूँ, यहाँ पे मार्केट का काम जो होता है वो तरुण सर के पास आता है, लाइव फोल्ट आते हैं, लाइव कस्टमर आते हैं, अपने स्टूडेंट जो होते हैं कोर्स के दौरान वो उनसे भी काम कराते हैं, क्योंकि एक बंदा अगर मेरी जगह या तरुण जगह की, आप भी हैं, आप कितना काम कर लेंगे? एक बंदे की एवरेज होती है कि एक दिन में अराउंड मान के चलो 10 फोन बना लिए, 15 नहीं बना सकते। वो जो ऊपर के 5 फोन होते हैं वो स्टूडेंट को यहाँ पर दिए जाते हैं। इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इसी तरह से एक स्टूडेंट हमारे साथ हो रहे हैं, चलिए उनसे भी मिलते हैं। तो गाइस, वीडियो को इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए एक भाई हमारे साथ हो रहे हैं, चलिए हम इनसे जानेंगे कि ये कब से हैं यहाँ पर और इससे पहले ये क्या क्या काम कर रहे थे। तो सर, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम आदित्य सिंह है। आदित्य जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली लोकल से हैं? हाँ जी। आप मोबाइल रिपेयरिंग लाइन कब से हैं, मतलब इस लाइन में? मैं इससे पहले ग्लास का काम करता था, टच ग्लास का, ये सब का, और छोटा मोटा कनेक्टर, लेकिन आईसी का काम नहीं करता था मैं। आईसी का काम बिल्कुल नहीं करता था। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? यहाँ पे मुझे हो गया आज 5वां दिन है। 5वां दिन है? हाँ जी। तो 5वें दिन में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि पहले क्या काम नहीं हो रहा था आपसे और आप क्या कर सकते हैं? मेरे से पहले से आईसी का काम नहीं हो रहा था। ओके। अब अभी कल मेरे का डबल टिकट सीपीयू का मैं उतार कर मेरे का फोन डेड हो गया था। अच्छा। डबल टिकट सीपीयू था, मैं इसको ऑन किया, चालू कर सर से पूछ कर चालू किया हूँ। आपने खुद किया? हाँ जी। सर ने गाइड किया जैसे जैसे, उसी तरह से आपने खुद किया? जी। और यही काम लेके आप जब यहाँ से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ टाइम, और उसके बाद अगर आपके पास यही फॉल्ट दोबारा से आ जाता है तो आप अकेले होंगे, कर सकते हैं? जी सर, कर लूँगा, क्योंकि सर बता रखे हैं ना कि कहाँ से दिक्कत आती है और क्या करना है क्या नहीं। ओके ओके जी। इसके अलावा ये तो एंड्रॉइड की बात थी। हाँ जी। एंड्रॉइड के सर हैं कौन से? मुजाहिद सर। अच्छा, मुजाहिद सर। तो गाइस, अगर आप मुजाहिद सर को अगर नहीं जानते होंगे, काफ़ी भाई तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो मुजाहिद सर को आप फेसबुक पे आप सर्च करके ढूंढेंगे MD मुजाहिद सर करके, तो आपको वो 100% मिलने वाले। सर, मुझे आईफोन के बारे में और बताइए कि आईफोन में कुछ क्लासेस स्टार्ट हुई आपकी? हाँ जी, आईफोन में क्लासेस चालू हो गई है, लेकिन मैं इस समय 2-3 दिन से लेना ही रहा था आईफोन का क्लास। अच्छा जी सर। तो एंड्रॉइड के अंदर ही आप ज़्यादा? हाँ। तो जी। इसके अलावा हार्डवेयर के अलावा सिमेटिक की होता है कि जो लाइनों की नॉलेज, फॉल्ट वगैरह कैसे निकालना पड़ता है, उसकी नॉलेज मिली आपको यहाँ पर? सिमेटिक जो बोर्ड पे जो जी जी मिला है उसका, उसकी मिली है? हाँ जी। तो अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है कि डेड में आ जाता है, ऐसे तो नहीं कि उसकी डायरेक्ट हम आईसी वगैरह कर देंगे, उसको डायग्नोस करने का जो तरीका होता है वो आपको पता चला है? हाँ जी सर, इसलिए जी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। देखो, कैमरे पे कोई भी मेरे भाई हैं जो फर्स्ट टाइम अगर कैमरा फेस करते हैं तो थोड़ा झिझक रहती है मन में, वो खुल के नहीं बोल पाते। आप मुझे देखते होंगे तो मैं तो यार अब से नहीं, पिछले 3 साल से कंटिन्यू कैमरे पे आ रहा हूँ, मैं तो भीड़ में भी बोल लेता हूँ। बाकी अगर इनसे मिलना है, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप इनके आसपास से हैं, तो आप इनकी शॉप पे आप अपना काम लेकर भी जा सकते हैं और इनका जो एक्सपीरियंस क्या रहा है वो आपको अपनी शॉप पे या बिल्कुल ईजी तरीके से शो कर देंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जैसे लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।